काबिलियत ही बेहतर मुस्तकबिल का तयन करती है। काबिल असातिज़ा तरक्की याफ्ता और बाशऊर कौम की जमानत होते हैं। शहदादपुर में सिटी ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट तुलबा के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के चेयरमैन बरकत अली हैदरी, मीरपुर खास बोर्ड के कंट्रोलर अनवर अलीम खान ज़ादा, सिटी ग्रामर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अबसारुल हसनैन मेमन, प्रेस क्लब शहदादपुर के सदर सैयद इरशाद जफर बुखारी, सिटी ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल जान शहजाद खान, समाजी रहनुमा राव मोहम्मद यूसुफ, वाइस प्रिंसिपल साबिर अली, आगा असद रजा और अब्दुल हमीद कलोई ने शिरकत की। इस मौके पर मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के चेयरमैन बरकत अली हैदरी ने खिताब करते हुए कहा कि तालिब इल्म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सिटी ग्रामर स्कूल एक बेहतरीन तालीमी इदारा है। मीरपुर खास बोर्ड की जानिब से मुनक्किद होने वाली सालाना तकरीब में इन तुलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बड़ी खुशी हुई है सिटी ग्रामर स्कूल में आकर, और जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है, आप यकीन करें कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो छुपे हुए हैं और जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है। मैं तो ये यहाँ पर आकर खुशी तो हुई है, उसके साथ साथ मैंने बच्चों को यही पैगाम दिया है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मीरपुर खास बोर्ड के कंट्रोलर्स अनवर अलीम खान ज़ादा ने कहा, हम एक बेहतर डॉक्टर्स और इंजीनियर जब बन सकेंगे, जब हम एक बेहतर इंसान होंगे और इंसाफ कर सकेंगे। हमने बोर्ड में बहुत इस्लाहात की हैं। हमने पहली बार मार्कशीट में फोटोग्राफ मुतारिफ कराया और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं मार्कशीट के लिए बच्चों को बोर्ड ना आना पड़े, बल्कि उनके तालीमी इदारे कंप्यूटर से इनकी मार्कशीट निकाल कर दे दें। माशाल्लाह से जो तलबा तालिबात ने आज जो नुमाया नंबर लेकर प्री एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस हासिल करी हैं, उस पर हम तालीमी बोर्ड मीरपुर खास की तरफ से तमाम बच्चों को, उनके वालदेन को और मुतालिका इंस्टीट्यूशंस को, उनके असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग दुआ गुआएं कि ये अपना सांगढ़ के का भी नाम रोशन करें और अपने वालदेन का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये अब से नहीं है, ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं। तो कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो बोर्ड जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट करती है, मगर ऐसी कोई चीज़ें आती नहीं है, सिर्फ सारा के सारे बोलते रहते हैं। कोई ऐसी कोई प्रूफ के साथ कोई चीज़ें सामने हमारा नहीं आती हैं जिसके ऊपर चीज़ें वो फिक्टिशियस करार दे दी जाती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सिटी ग्रामर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अबसारुल हसनैन मेमन, प्रेस क्लब शहदादपुर के सदर सैयद इरशाद जफर बुखारी, सिटी ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल जान शहजाद खान, तालिब इल्म और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने मेहनत की, टीचर्स ने उनको दिल जमी से पढ़ाया और हमने बहैसियत इंतजामिया उनके साथ मुकम्मल जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की, तो इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट सामने आया। मैं इसके लिए बच्चों को, वालदेन को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आइंदा भी ये बच्चे अपना मुस्तकबिल और ताबनाक करेंगे। और टीचर्स को दाद देता हूँ और उनसे भी यही तवक्कुल रखता हूँ कि वो फ्यूचर में भी ऐसे बच्चे तैयार करते रहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल में सिलेक्ट हुई हूँ, सेवन्थ पोजीशन है मेरी डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में। मैं 12 साल सिटी ग्रामर में पढ़ी हूँ, क्लास वन से क्लास इंटर तक, और इंट्री टेस्ट की तैयारी भी मैंने यहीं से की थी। और बिफोर दैट मतलब नर्सरी और प्रेप मैंने किया था पैरागन से। लेकिन मैं अपनी कामयाबी का सबसे जो जिसका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वो मेरी मम्मा हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं एक बात ये दुनिया के सामने क्लेम करना चाहती हूँ के खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहां सुनो वो मेरी माँ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी दुआओं से ही हमें कामयाबी मिलती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस साल सिलेक्शन हुआ है और प्रेफर करूँगा सिटी ग्रामर को इस शहर में, क्योंकि ये वाहिद स्कूल है इस शहर का जो सबसे ज़्यादा तालीमी इदारों में सबसे ऊपर है शहर का। तकरीब के आखिर में तुलबा में अवार्ड तकसीम किए गए, जबकि मेहमानों में सिद्धी अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद परवेज अली, वतन न्यूज़, शहदादपुर।